अस्सलाम कैसे गाइस, मैं आज इन खबीस दोस्तों के बारे में बात करने लगा हूँ। गाइस जो बड़े ही धोखे बॉस फ्रॉड होते हैं, कोई दोस्त खबीस होते हैं, कुछ होते हैं कॉलिग्स। मेरे दोस्त तो हैं ही खबीस, लेकिन जो मेरे कोलीग है वो एक नंबर के खबीस निकले, बहुत बड़े फ्रॉडिया। उन्होंने मुझे कहा कि भी तुम अपने बच्चों की सालगिरह करो। हालांकि सालगिरह मेरी जनवरी में होनी है बच्चों की, तो मैंने कहा चलो फेयर कोलीग कह रहे हैं तो मुझे सालगिरह कर लेनी चाहिए बच्चों की। मुझे कह रहा है कि सालगिरह करो सारे कोलीग्स, तो है ना, हम तो मेरे बच्चों के लिए ना बड़े बड़े महंगे गिफ्ट लाएंगे। मेरे दिल में लाला शाही लड्डू बूटा, मैं कह महंगे महंगे गिफ्ट आएंगे, अपना अमीर होगा, अपन के पास गिफ्ट आएगा। बट स्टोरी एंड यहाँ पे नहीं होती, स्टोरीज यहाँ से स्टार्ट होती है। अपन दो 2000 रुपये के केक लाया, उधार मांग मांग कर 4000 रुपये इकट्ठा किया। अपन ने जब केक लाया, अपन सब कुली को बोला, हाँ भाई लोग केक आ गया है, तुम किधर रहेंगे? कहते हैं आज हम नहीं आ सकते हैं। मैं भी हैरान था जब मुझे ऑफर कर रहे थे कि तुम बच्चों की सालगिरह पहले करो। मुझे लगा कि मैडम ने उनको कोई बहुत स्टैंडर्ड दिया होगा, कि रोकड़ा चोकड़ा दे दिया होगा जो मुझे ऑफर कर रहे हैं। तो खैर, स्पेशली वो बंदा जो इतना कंजूस है, वो बंदा मुझे कह रहा था, स्पेशली वो बंदा जो इतना दुनिया का नंबर वन कंजूस है, पूरे अमले में कंजूस है, उसका जवाब बिगाड़ के आए मैं। अदनान भाई भी आपकी बात कर रहा हूँ। अदनान ने मुझे कहा तुम सनाए की सालगिरह करो। अदनान तो सुन रहा है ना मेरी वीडियो, मैंने 4000 रुपये का खर्चा करवाया। मैंने 4000 2000 रुपये के दो केक लाए, एक चॉकलेट फ्लेवर में, एक वनीला फ्लेवर में। ठीक है, तुमने कहा कि मेरे लिए वनीला फ्लेवर लेना, और दूसरा सजाद बाकी लोगों ने कहा कि हमारे लिए चॉकलेट फ्लेवर लेना। वनीला और चॉकलेट फ्लेवर के दो के 2000 के 4000 के दो केक लाया। सालगिरह का सारा सामान लाया, बाहर से मैंने बिरयानी मंगवाई 1000 रुपये की। कितना खर्चा हुआ? दो 2000 के दो केक 4000, 1000 की बिरयानी 5000, और दूसरा मेरा टाइम अलग जाए वो आने जाने का। 5000 रुपये खर्चा करवा के वो अब मेरा नंबर नहीं उठा रहे थे। वीडियो के माध्यम से मेरा खर्चा हुआ है, मेरे गिफ्ट पहुंचाओ, नहीं तो आई विल आगे मैं नहीं बोल सकता। यूट्यूब मुझे अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये वीडियो मैं और यूट्यूब पर भी डालूंगा। तो यूट्यूब पे देख के हिसो, इंसान बनो, बफराड ना किया करो। केक का मुझे कह के आप लोग गायब हो गए, मैंने खर्चा करवाया सालगिरह पे, बहुत खर्चा हुआ, भाई को लूट लिया यार। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, बिल्ली तुम्हें दी? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वो देखो। अरे चुप हो जाओ, इसकी सालगिरह थी। भाई इसकी सालगिरह थी, ये सनाया है, सनाया की सालगिरह थी, जो कि नहीं आया हमारे मेहमान, जिन्होंने सालगिरह का कहकर, जिन्होंने सालगिरह जबरदस्ती एडवांस में हमारे से 1 महीना पहले करवाई। अमले वाले कलीगों ने 1 महीना पहले करवाई कि भाई आप लोग सालगिरह कर लो, हम लोग आएंगे आएंगे, हमारे पास अभी टाइम है, बाद में हमारे पास टाइम नहीं होगा। इसकी सालगिरह जनवरी में आनी थी, मैंने दिसंबर में कर दी। पूरे अमले वाले ने कहा अगर दिसंबर में करें 1 महीना आगे पीछे कोई मसला नहीं है। मैंने कहा यार जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन मैंने सालगिरह करनी, पहले मैं कैसे करूँ? कहते नहीं नहीं पहले करो। मुझे नहीं पता उन लोगों ने प्लान बनाया हो तो मेरा 5000 रुपये वेस्ट करवाने का, मेरे साथ उन्होंने धोखा करने का, उन्होंने साथ की गलती हो गई। अब जो है मेरे अगर बात ये होती है कि अब उन्होंने मुझे लालच, हालांकि मैं लालच इंसान हूँ तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तेरे लिए 2000 रुपये के गिफ्ट लिए हुए, स्पेशली मैंने कहा कि मेरे लिए गिफ्ट लिए, मैं भी हैरान परेशान हूँ। सालगिरह मेरे बच्चों की, गिफ्ट मेरे लिए ला रहे, कुछ लोचा है ताल में। चुप कर, बात कर रहा हूँ ना, चुप कर, कह रहा हूँ तो डालूंगा। तो पर्सनल है तो यार, कम से कम अब मुझे मुझे लगता है मैं उनके घरों में जाके ना उनसे गिफ्ट वसूल करूंगा। अब मैं अपना सवारी पकड़ता हूँ, अब सारे वेले होंगे क्योंकि 11 बजे वो सारे घर होते हैं। तो अब मैं सबके पास जा जाके ना कहूँगा भाई हमारा गिफ्ट निकालो, हमारा 5000 रुपया खर्चा हुआ है,
बिल साथ लेके जाऊंगा, बिल दिखाऊंगा। तकरीबन एक 10-12 बंदे थे, एक बंदे से 5-5 लूंगा तो मेरा तो बजट जो वापस आ जाएगा, अबे क्या कर रही है? अच्छा तुम क्यों आई? तुम्हारा जूता कहाँ है? ना जूता पहनती है ना जराबे पहनती है, ये ना जूता पहनती है ना जराबे पहनती है। नाजरीन को आप लोग समझाए नहीं, तुम्हें उसको मार मार के मुंह लाल कर दूंगा। ये बनती है पार्लर वाली कभी कभी, देखो मेरा मेकअप करने वाली है नाजरीन, देख रहे हो बच्चों की शरारतें, कभी भी हम भी इस तरह के बच्चे थे, लेकिन जो आप बड़े हो गए हैं अब माय गॉड बदतमीज बच्चे बदतमीज, जो जो दिक्कत है प्यार जाए हार जाए तो माने ना माने ना, बदतमीज बच्चे बदतमीज बच्चे जो जिद पे आ जाए माने ना माने ना माने ना माने ना माने ना, बहुत ही बदतमीज बच्चे हैं गाइस मेरे, बहुत ही नालायक। अभी इसको स्कूल में डालूंगा, एडमिशन कराऊंगा, ठंडी ठंडी सर्दी में जाएगी, पता चलेगा दिमाग इसका सेट होगा। लोग सर्दी में दिमाग जम जाते हैं, इसका दिमाग खोलेंगे सर्दी में। यार यूट्यूब पे पॉप वीडियो फेमस करने के लिए क्या क्या कॉपी लेने पड़ते हैं, देखो मैं बिल्कुल ऐसा इंसान नहीं था, सच में मेरे जैसे सब्सक्राइबर्स 3,000 हुए, मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्या क्या पापड़ी करने पड़े कि ऐसा करो वैसा करो हाँ करो ढीला करो वीडियो उल्टी सीधी बनाओ तो तुम्हारी वीडियो हिट होगी, रैंक में जाएगी, फेमस होगी, वायरल होगी। बट इनमें से कुछ नहीं, 1,000 वीडियो हो गए सटो में कर करके, आप तो जिंदगी में भी वो एक्टिंग वाला सीन चल रहा है। तो मैं बहुत सीरियस इंसान था गाइस, बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंसान था। तो अब जब से मेरे दिल में लाना चाहिए कि मेरे 3,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, 4,000 हो गए, माशाल्लाह ऐसे ऐसे बढ़ भी रहे, लेकिन व्यूज़ नहीं आते हैं वो अलग बात है, लेकिन सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। और इसी के चक्रों में जो मैं हूँ ना, मुझे उल्टी से भी हरकतें करनी पड़ती है।